बीते दिन एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर की क्राइम ब्रांच ने बेगमबाग क्षेत्र में दबिश दी, जहां 40 सटोरियों को सट्टा संचालित करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा गया। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक सटोरिये व जुआरी मौके से भाग निकले। मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम टीम ने दबिश दी और अधिक तादाद होने के चलते मुख्य आरोपी संजू उर्फ साजिद पिता शब्बीर खान निवासी बेगमबाग कॉलोनी सहित कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच निकले। अभी 40 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। वहीं पकड़े गए 40 में संजू का चचेरा भाई शाकिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने मौके से 10,000 रुपए नगद सहित जुआ सट्टा सामग्री बरामद की है। पुलिस ने बताया कि फरार संजू, जो कि मुख्य आरोपी है, हाजिर वली और गिरफ्त में आ गया है। उसका चचेरा भाई शाकिर सट्टे के गोरख धंधे को काफी समय से क्षेत्र में चला रहे थे। पुलिस अब इनके पुराने रिकॉर्ड तलाश रही है ताकि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके। सट्टा पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है, कितने सटोरिये पकड़े गए हैं? आज उज्जैन जिले में पुलिस अधीक्षक सचिन आतुलकर सर के निर्देश पर एक सट्टा व सट्टे की मुखबिर सूचना थी और उस पर से जो है बेगमबाग मोहल्ला थाना महाकाल के अंतर्गत पतली गलियों से घुस के वहाँ पे जो है रेड की कार्रवाई की गई, जो कि सज्जू उर्फ जो है शहजाद के घर से जो है मकान से जो है करीब 40 लोग जो है सट्टा करते हुए पकड़े गए हैं और उन सबको जो है महाकाल थाने में ला के कार्रवाई की जा रही है। कितने पैसे? 1.5 लाख रुपए के आसपास का हिसाब मिला है और 18,010 रुपए नगदी मिले हैं। इसमें उसके घर के अंदर जो है कुछ पर्चियाँ वर्चियाँ चिपकी हुई थी, उन सब का जो है रिकॉर्ड पुलिस ने लिया है। ये कहा जा रहा है कि करीब 40 सटोरियों तो गिरफ्तार किए पुलिस ने, लेकिन कहेंगे इतने ही मौके से भाग भी गए। हाँ, क्योंकि मौका पा के जो है पीछे के दरवाजे से और साइड के मकान से छत से उतर के कुछ लोग भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने फिर भी जो उपलब्ध बल था उसके आधार पर 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों की संख्या और भी ज़्यादा थी? सटोरियों की संख्या ज़्यादा रही होगी।